सो हेलो एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल. नाउ सी दी लास्ट ऑफ द टाइम्स इन द लास्ट ऑफ द रिविजन लेक्चर वी हैड बीन डिस्कसिंग द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 to 54H. तो लेट अस कंटिन्यू विद दोज एग्जम्पशंस. अभी हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 54, फिर हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 54F. और ये दो सेक्शन में 54 में ये दिया हुआ था कि घर बेचकर अगर हम घर खरीदते हैं तो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलता है, और अगर हम अदर असेट बेचकर घर खरीदते हैं तो सेक्शन 54F का एग्जम्पशन मिलता है. अल्टीमेटली हमको घर परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है तभी एग्जम्पशन मिलता है. उसके बाद अगला सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन 54B. एज पर दी ये पढ़ना है, मतलब अपने को रिविजन करना है इसका. तो सेक्शन 54B जो सेक्शन है वो सेक्शन की फिलोसॉफी है कि अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड बेचकर नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं तो सेक्शन 54B का हमको एग्जम्पशन मिलेगा. द ओल्ड असेट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, और जो नया हमको खरीदना है वो भी एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है. नाउ हु इज द एलिजिबल असेसी अंडर सेक्शन 54B? एज पर द सेक्शन 54B, द एलिजिबल असेसी इज एन इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और द HUF. तो इंडिविजुअल और HUF बेसिकली एलिजिबल असेसी है, जैसा 54 और 54F में था. ये एलिजिबल असेसी है. इनको ओल्ड असेट क्या ट्रांसफर करना है? इनको ओल्ड असेट ट्रांसफर करना है लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. ये एक तरह का पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है कि ऐसा लैंड है हमारे पास जिसमें हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर कर रहे थे. ये लैंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर वैसे ही कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है. तो टेक्निकली दिस लैंड शुड बी एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. तो असेसी इंडिविजुअल HUF है. असेसी ने जो ट्रांसफर किया वो किया अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ऐसा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो असेसी या उसके पेरेंट्स पिछले 2 साल से यूज कर रहे थे फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. इट वॉज यूज बाय द असेसी और हिज पेरेंट्स फॉर 2 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर. वो इस लैंड को यूज कर रहे थे और इस पे कर क्या रहे थे? बेसिकली वॉट दे वर डूइंग इज एग्रीकल्चर, खेती कर रहे थे. अब आपने पुराना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा जिसपे आपको कैपिटल गेन हो गया. अब आपको नया क्या खरीदना है? यू हैव टू परचेज अनदर लैंड फॉर बींग यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. तो जो नया लैंड अब आप खरीदोगे उस लैंड पर आपको अब आगे एग्रीकल्चर करना है. द न्यू लैंड हैज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. उसका पर्पस है आप उस पर खेती करोगे, और उसका टाइम लिमिट क्या है? 2 ईयर्स. नया लैंड खरीदना है विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. देखिए एक गोल्डन रूल है, स्टैंडर्ड रूल ये है कि जब भी अपन खरीदने की बात कर रहे हैं 54 सीरीज में तो उसके लिए टाइम लिमिट है 2 ईयर्स. जैसे 54 में भी था कि नया हाउस आपको खरीदना है विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. कंस्ट्रक्शन में 3 था, परचेज में तो 2 है. वैसे ही यहां पर है कि नया जो आपको लैंड खरीदना है इट हैज टू बी विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. और फिर नया लैंड जो आपने खरीदा वो लैंड आपको 3 साल तक रखना है. यू हैव टू कीप इट फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. आपको इन्वेस्ट क्या करना है नए असेट में? 1 करोड़ में पुराना लैंड बेचा, 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ. 1 करोड़ में पुराना लैंड बेचा, 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ. वॉट यू हैव टू इन्वेस्ट? 1 करोड़ या 40 लाख? तो उसका जवाब उन्होंने दिया है, यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली द कैपिटल गेन्स. देखिए 54F एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है नेट कंसिडरेशन 1 करोड़ रुपए. बाकी सभी सेक्शंस में व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली द कैपिटल गेन्स. तो जैसे 54F अभी अपने सामने है, व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट, या 54 एंड 54B अपने सामने है, व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली कैपिटल गेन. अगर आपको 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ और आपने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिया पूरा 40 लाख एग्जम्प्ट है. अगर आपने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया तो जितना इन्वेस्ट किया उतना पूरा एग्जम्प्ट है. इट्स लाइक दैट, नॉट लाइक दैट सेक्शन 54F. 54F में इनफैक्ट आपको सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना था और कम इन्वेस्ट करने पे प्रोरेटा एग्जम्प्शन मिलता था. फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, यहां पर भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है. तो वैसे तो नया एग्रीकल्चरल लैंड आपको 2 साल में खरीदना है, बट You have to invest the amount in the new land before the date of filing of return.
या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पैसा इन्वेस्ट कर दो नए लैंड में, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो। तो दो में से एक चीज कर लो, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नया लैंड खरीद लो, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो। एंड देन यहां भी रीटैक्सेबिलिटी का क्लॉज है कि भाई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बाद में आपको अल्टीमेटली नया लैंड खरीदना ही नहीं है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया तो यू हैव टू परचेज द न्यू लैंड विद इन दैट टू ईयर्स टाइम लिमिट। अगर आपने दो साल के उस टाइम लिमिट में नया लैंड नहीं खरीदा तो वो जो कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो अब रीटैक्सेबल हो जाएगा, या फिर जो नया लैंड खरीदा था वो नए लैंड को 3 साल के लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर कर दिया। अगर आपने नए लैंड को 3 साल के लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर को नए लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाएगा, जैसा 54 में होता था। तो 54 वाली फिलोसॉफी सेक्शन 54 में भी थी और सेक्शन 54 बी में भी है, जबकि 54 एफ में अलग है। 54 एफ में क्या हो गया कि वहां पर आपको कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर जो है वो अलग से टैक्सेबल होगा और नया वाला कैपिटल गेन अलग से टैक्सेबल होगा। तो 54 एफ अलग है पर 54 और 54 बी की फिलॉसफी सेम है, दैट कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर नए लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाएगा। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 54 डी। तो सेक्शन 54 डी जो है वो बेसिकली कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से डील करता है। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रियल टाइम यूसेज इतना नहीं है। वैसे भी कंपलसरी एक्विजिशन मेनी अ टाइम्स वो तो एग्जम्प्ट होता है, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अब उनका यह कहना है 54D के अंतर्गत दैट द एलिजिबल असेसी इज ऑल इंडिविजुअल HUF AOP BOI कंपनी फॉर्म रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट एवरीबडी इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 54D। यहां पर ओल्ड असेट जो ट्रांसफर करना है वो है अ लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं अंडर कंपलसरी एक्विजिशन। तो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, उस कंपलसरी एक्विजिशन में हम लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं। सो वी हैव ट्रांसफर्ड लैंड और बिल्डिंग विच इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसका ट्रांसफर हम कर रहे हैं अंडर कंपलसरी एक्विजिशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड बिल्डिंग है ये हम कितने साल से यूज कर रहे थे पहले, सो वी वर यूजिंग इट 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये जो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ उसके इमीडिएटली पहले से कम 2 साल पहले से हम उसे यूज कर रहे थे। फिर अगली बात आती है कि पुराना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो अब अपने को नया क्या करना है, नया हमको करना है वी हैव टू परचेज और कंस्ट्रक्ट एनी अदर लैंड और बिल्डिंग और एक्वायर अ राइट इन द लैंड। तो हमने पुरानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी उसको सरकार ने एक्वायर कर लिया, तो अब हमको नया भी जो सेटअप करना है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग करना है। सो वी हैव टू परचेज कंस्ट्रक्ट लैंड बिल्डिंग और एक्वायर राइट इन लैंड बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग री एस्टैब्लिशिंग सेड अंडरटेकिंग सेटिंग अप अनादर अंडरटेकिंग। तो पुरानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो अब हम नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को परचेज या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। We are doing the purchase or construction of a new industrial undertaking. और ये जो करना है, it has to be done within 3 years from the date of transfer. पुरानी industrial undertaking का compulsory acquisition हुआ, हमने नई industrial undertaking setup करनी है within 3 years from the date of transfer, और इस नई industrial undertaking को अब रखना है for a period of 3 years. ठीक है, हमेशा lock-in period 3 years होता है, जो भी नया asset हम खरीदते हैं it has to be kept for a period of 3 years. Again, invest क्या करना है? Whether you have to invest capital gain or the full value of consideration, तो आप clearly देख सकते हैं सभी section में, the philosophy is that you just have to invest the capital gains. आपको capital gain invest करना है. अगर आपने capital gain invest किया, तो वो amount exempt हो जाएगा. कम amount invest किया, तो उतना amount exempt हो जाएगा. Plus 54F के अंतर्गत ये भी है कि आपको सिर्फ उसी सेक्शन में था कि आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना था, बाकी अभी तो सभी सेक्शन में यह है कि यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट द कैपिटल गेन।
यहां भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, क्योंकि देखो आपको इन्वेस्ट करना है विद इन थ्री इयर्स, पर उसके पहले ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आएगी। तो उनका यह कहना है कि नया जो आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए लैंड खरीदना है, या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक इन्वेस्ट कर दो, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो। अगर आप डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक इन्वेस्ट नहीं किया तो कम से कम पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो। अगर जमा कर दोगे तो भी आपको अभी एग्जम्प्शन मिल जाएगा, पर अल्टीमेटली आपको वो पैसे से नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड वगैरह तो खरीदना पड़ेगा। तो बाद में जब भी आप वो खरीद लोगे आपका एग्जम्प्शन सर्टन हो जाएगा। एंड इनफैक्ट अभी मान लो बाद में आपने वो नहीं खरीदा तो कैपिटल गेन जो आपका अच्छा भला एग्जम्प्ट हुआ था दैट विल बिकम रीटैक्सेबल। प्लस अगर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 3 साल के लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर कर देते हो तो व्हाट विल हैपन इज कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर अलग से टैक्सेबल होगा, और जो नए एसेट को बेचने का कैपिटल गेन है कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर को नए एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे, सेम एज सेक्शन 54। तो होगा वही जो 54 में होता था। 54F एक अलग चल रहा है जिसमें दो टैक्स होंगे, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर अलग से टैक्स होगा और नए एसेट का अलग से टैक्स होगा। बाकी जितने भी सेक्शन अपन ने पढ़े 54, 54B और 54D, तीनों में यही होगा कि कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर को नए एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाएगा। सो दैट इज द प्रपोजिशन विच इज देयर। अब उसके बाद अगला सेक्शन आता है 54EC। तो सेक्शन 54EC जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन बेसिकली काफी पॉपुलर सेक्शन है रियल लाइफ में, काफी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो रियल लाइफ में 54 काम आता है बहुत, 54F भी काम आता है, 54B भी काम आता है एग्रीकल्चरल लैंड वाला, और अब जो सेक्शन है 54EC ये भी रियल लाइफ में काफी काम आने वाला सेक्शन है। 54D कंपल्सरी एक्विजिशन वाला प्रोविजन इतना काम का नहीं है फॉर द रियल लाइफ। अब सेक्शन 54EC, Who is the eligible assessee? Eligible assessee is all individual, HUF, AOP, BOI, company, firm, resident, non-resident. Everybody is eligible under section 54EC. What you have to transfer is a land or building or both. A land or building or both. तो हमारे पास एक land है या building है या दोनों है, हमने उनको transfer किया, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। ये लैंड रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, घर रेसिडेंशियल भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमने कोई घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, कुछ भी लैंड या बिल्डिंग हमने ट्रांसफर किया विच वॉज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो हमने एक लैंड और बिल्डिंग का ट्रांसफर किया विच वॉज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और हमको खरीदना क्या है, हमको खरीदना है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इनके बॉन्ड्स खरीदना है, या कोई स्पेसिफाइड कंपनी जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे उनके बॉन्ड्स खरीदना है। तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन एलिजिबल असेट्स विच आर कवर्ड अंडर 54EC। सेक्शन 54EC में जो एलिजिबल असेट्स है उनमें हमको इन्वेस्ट करना है NHAI, REC वगैरह के बॉन्ड्स में। और ये इन्वेस्ट करने का डेडलाइन क्या है, यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जो भी डेट ऑफ ट्रांसफर है उससे ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months हमको ये इन्वेस्ट करना है। बाकी सेक्शन में तो अभी देखो 2 साल, 3 साल ऐसा समय दिया गया है, पर सेक्शन 54EC में केवल 6 महीने का समय दिया है। उनका कहना है यू हैव टू इन्वेस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसके बाद जो नया एसेट खरीदा उसको कितने साल तक रखना है, नया एसेट जो खरीदा इट हैज टू बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ये जो बॉन्ड्स आपने जो भी खरीदे ये 3 साल तक रखना है। ये मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं कि देखो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 5 साल बाद है पर आपको 3 साल तक रखने हैं, तो मैच्योर होंगे 5 साल बाद, 3 साल तक आपको रखने, 3 साल बाद आप उसको बेच दो बाजार में, उनका रिडम्पशन होगा 5 साल बाद। तो ये 2 चीजों में अंतर है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहां 3 साल लिखा है कहीं 5 साल लिखा है, दोनों को क्लियरली समझो। बॉन्ड्स रखना है आपको 3 साल, जब से आपने इन्वेस्ट किया तब से 3 साल, पर उनका रिडम्पशन 5 साल बाद होगा। तो मतलब 3 साल तक रखो, बाद में आप उसको बेच सकते हो, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे रिडम्पशन जो होगा वो 5 साल बाद होगा। और फिर यहां पर अगेन व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट,
ओनली द कैपिटल गेन। तो अभी देखो क्लियरली आप देख सकते हो कि सभी सेक्शन में व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली कैपिटल गेन एक्सेप्ट 54F, जहां पर आपको नेट कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता था। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अभी देखो बाकी सब सेक्शन में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, यहां पर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वेस्ट करने का डेडलाइन बहुत कम दिया है उन्होंने, 6 महीने। तो लॉ मेकर्स को अपने विजडम में उनको लगा कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने 54EC में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं दिया। और मान लो आपने वो जो नए बॉन्ड खरीदे थे उनको 3 साल के लॉक इन पीरियड में बेच दिया, अगर आप नए बॉन्ड को 3 साल के लॉक इन पीरियड में बेच देते हो तो क्या होगा, तो इट विल हैपन एज इफ इट हैपन्स अंडर सेक्शन 54F। मतलब कैपिटल गेन जो पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो अलग से टैक्सेबल होगा और जो नया वाला कैपिटल गेन है वो अलग से टैक्सेबल होगा। तो दो हो जाएंगे, पुराने लैंड बिल्डिंग वाला कैपिटल गेन अब अलग से इनकम मान लिया जाएगा और नया वाला जो कैपिटल गेन है वो अलग से टैक्स किया जाएगा। दैट इज इट। तो अभी देखो जनरली कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाएगा, पर 54EC और 54F में ये दिया हुआ है कि कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर को अलग से टैक्स किया जाएगा। तो वो जो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट पहले हुआ था उसको अलग से टैक्स करेंगे, नया वाला कैपिटल गेन अलग से टैक्स करेंगे। सो दैट इज द प्रोपोजिशन। 54EC में हालांकि 3-4 बातें और हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। एक बात यह है कि इन 3 साल के लॉक इन पीरियड में आप उन बॉन्ड्स को बेच भी नहीं सकते और उसकी सिक्योरिटी पर लोन भी नहीं ले सकते। इट कैन नॉट इवन बी कन्वर्टेड टू मनी ड्यूरिंग सच पीरियड। तो ये जो भी 3 साल का लॉक इन पीरियड है, इस लॉक इन पीरियड में न तो आपको उन बॉन्ड्स को ट्रांसफर करना है, न ही आपको उन बॉन्ड्स को मनी या मनीज वर्थ में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि आपको इन बॉन्ड्स को खरीदने पर सेक्शन 80C में भी डिडक्शन मिलता है। 80C में भी जो एलिजिबल बॉन्ड्स हैं NHAI और REC के, वो एलिजिबल है। तो अभी क्या होता है कि क्या डबल डिडक्शन मिल जाएगा? मैंने बॉन्ड्स खरीदे तो मैंने उसको 54EC में भी एग्जम्पशन ले लिया और 80C में भी ले लिया। कैन आई गेट डबल डिडक्शन? द आंसर इज नो, यू विल नॉट गेट डबल डिडक्शन। अगर आप इन बॉन्ड्स पर सेक्शन 54EC में बेनिफिट ले चुके हो तो आपको उसका बेनिफिट 80C में नहीं मिलेगा, और अगर आप इन बॉन्ड्स पर 80C में बेनिफिट ले चुके हो तो 54EC में डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक ही इन्वेस्टमेंट पे दो बार डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर एक छोटी सी बात और है कि सेक्शन की लिमिट है 50 लाख रुपए, तो इस साल का जो मेरा कैपिटल गेन एग्जम्पशन होगा दैट कैन नॉट बी मोर देन 50 लाख। ये इन्वेस्टमेंट में एक साल में करूं या एक से ज्यादा साल में करूं, एक सिंगल कैपिटल असेट के रिस्पेक्ट में करूं या एक से ज्यादा असेट के रिस्पेक्ट में करूं, अल्टीमेटली इस साल का जो मेरा एग्जम्पशन का फिगर है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। यू शुड सी दी एग्जाम्पल्स विच कम आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट, कि हमने इन्वेस्टमेंट 2 साल में किया, ऑफकोर्स विद इन 6 मंथ्स किया, पर वो विद इन 6 मंथ्स 2 फाइनेंशियल ईयर्स में फॉल होते थे, तो भी मेरा इस साल का एग्जम्पशन 50 लाख पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। या मेरे को 2 अलग अलग कैपिटल गेन हुए थे, दोनों का मिला के जो एग्जम्पशन है वो 50 लाख पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इस साल के एग्जम्पशन का फिगर 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। और अब इसके बाद वंस वी आर डन विद द एग्जम्पशंस अंडर 54 to 54F, एक दो बातें और दी गई है 54 to 54F में, जनरल बातें। एक तो कंपल्सरी एक्विजिशन की बात कही गई है कि जनरली ये जो सारे सेक्शंस थे इनमें यह दिया हुआ है कि यू हैव टू इन्वेस्ट विद इन 2 years, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में क्या होता है, दैट द कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। ठीक है, कंपनसेशन तब टैक्सेबल होता है जब वो रिसीव होता है। तो इसी प्रकार से कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में जो इन्वेस्टमेंट करना है आपको, वो इन्वेस्ट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में ट्रांसफर से 2 years नहीं है या 3 years नहीं है, रिसिट से 2 years या 3 years है। तो जब भी आपको पैसा मिला तब से विद इन 2 years, विद इन 3 years और वॉट एवर, उस समय के अंतर्गत आपको यह पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट। सो दैट इज अनदर स्मॉल पॉइंट विच इज देयर। अब उसके बाद अगली चीज आती है द रेट ऑफ टैक्स। कैपिटल गेन किस रेट पे टैक्सेबल होगा? हम सबको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड इट इज टैक्सेबल एट 10%,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड इट इज टैक्सेबल एट 15%, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इट इज टैक्सेबल एट 20% एंड नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इट इज टैक्सेबल एट अ नॉर्मल रेट। तो ये एक जनरल प्रपोजिशन दिया है कि किस तरीके से टैक्सेशन होगा एंड उसके अलग अलग सेक्शन है, लॉन्ग टर्म एसटीटी पेड 10% सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड 15% सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल जो भी है वो टैक्सेबल है 20% पे सेक्शन 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट अ नॉर्मल रेट, उसका सेक्शन नहीं दिया तो वो नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल है। अब देखो आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलता है, बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है पर केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को 87A का रिबेट मिलता है। यह आप मतलब आपको ध्यान होना चाहिए, इट्स गिवन इन दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय नोट्स जिसमें ये पहली चैप्टर में मैं बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म पे ये चीजें होती है, ठीक है। उस पर आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है, इंडेक्सेशन मिलता है, बेसिक एग्जम्पशन रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को मिलता है और 87A का रिबेट मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड में ऑफकोर्स क्योंकि कैपिटल गेन ही शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट HUF को और 87A का रिबेट अगर मिलता होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है, बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है पर केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को और 87A का रिबेट नहीं मिलता है। दैट इज समथिंग विच इज देयर अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड। तो ये एक प्रपोजिशन है, हमको पता होना चाहिए ऑब्वियसली विच इज देयर। उसके अलावा एक चीज और दी गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड ये 10% से टैक्सेबल होगा। ये प्रोविजन आया फाइनेंस एक्ट 2018 के अंतर्गत। तो 2018 में उन्होंने एक ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया, ट्रांजिशनल प्रोविजन ये दिया कि देखो हमने शेयर्स खरीदे थे 2012 में ये सोचकर कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट होगा। उस समय तो यही होता था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता था, पर बाद में लॉ उन्होंने चेंज कर दिया 2018 से और ये कह दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड अब टैक्सेबल हो जाएगा 10% पे। तो 2012 से 2018 तक के बीच में जो नोशनल इनकम हम कमा चुके थे उसका क्या होगा, तो उसका जवाब उन्होंने ये कहा कि भाई 2012 से 18 तक की जो नोशनल इनकम कमाई जा चुकी थी उसको हम नलीफाई कर देते हैं, उसको हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू को अब कॉस्ट ले लिया जाएगा। अगर आपको नोशनल इनकम हो गई थी 18 तक तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, अगर 2018 तक आपको नोशनल लॉस हो गया था तो वो लॉस हम अलाउ कर देंगे, ऐसा करके वो प्रपोजिशन था। तो मेरा सिंपली ये कहना है कि ये ट्रांजिशनल प्रोविजन ये कहता है कि अगर शेयर्स 31 जनवरी 18 से पहले एक्वायर किए गए, अगर शेयर्स 31 जनवरी 18 से पहले एक्वायर किए गए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंप्यूटेड एज पर दीज टू स्टेप्स। स्टेप वन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 31 जनवरी 18 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लेस दैट फिगर और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर दैट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला याद रखना, लॉ इतना सिंपल नहीं है, मैंने उसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की, वो सिंपल भी कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्वियसली, पर वो फॉर्मूला से आप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन में हो जाएगा। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन कब अप्लाई होगा, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाई होगा अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी पेड है, शेयर्स 31 जनवरी 18 से पहले खरीदे गए थे, शेयर्स 1 अप्रैल 18 या उसके बाद बेचे गए हैं। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाई होगा एंड एज पर दिस ट्रांजिशनल प्रोविजन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 31 जनवरी 18 दैट फिगर और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर दैट फिगर और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर
दिस फिगर अल्टीमेटली शुड बी कंसिडर्ड एज दी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्सेशन नहीं होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसटीटी पीरियड में इंडेक्सेशन नहीं होगा। इफेक्टिवली उनका यह कहना है कि जो नोशनल गेन आपने 2018 तक कमा लिया था, हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उस पर टैक्स नहीं लेंगे, और फिर जो रियल गेन आपने कमाया बाद में उस पर जरूर टैक्स लेंगे, बाद में जो कमाया, या फिर नोशनल लॉस हो गया था जो आगे जाके सच में रियल लॉस हो गया, फिर वो भी हम आपको अलाउ कर देंगे। दिस इज द प्रिंसिपल, दैट इज द आइडिया ऑफ द लॉ मेकर्स। आइडिया को छोड़ो, अपन सिंपली लॉ याद रखो, व्हेन दिस प्रोविजन विल अप्लाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी पेड, शेयर्स खरीदे थे 31 जनवरी 2018 या उससे पहले और बेचा उनको 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, एंड इस परिस्थिति में न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर दैट फिगर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज द न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड होल्डिंग पीरियड तो रियल होल्डिंग पीरियड ही होगा, ये आपको पता होगा। 31 जनवरी 2018 की कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 31 जनवरी 2018 की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 31 जनवरी की जो हाईएस्ट प्राइस है वो ली जाएगी, क्योंकि उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में भी प्राइस फ्लक्चुएट हुए होंगे। तो उनका कहना है कि 31 जनवरी की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। और बाकी और भी केसेस दिए कि मान लो पहले ट्रेड होते थे नहीं होते थे, पहले म्यूचुअल फंड की लिमिट थी या बोनस शेयर्स थे, वो सब पे ध्यान मत दो। मेन है कि भाई उस दिन ट्रेडिंग हुई थी तो कॉस्ट क्या होगी, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, पर मार्केट वैल्यू भी अलग अलग होगी, तो उस दिन की हाईएस्ट ट्रेडेड वैल्यू विल बी दी फेयर मार्केट वैल्यू। एंड देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड अब टैक्सेबल है 10% की रेट पे, इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, रिबेट 87A का नहीं मिलता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को, चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है। ये सब बातें दी गई है। और फिर आपको शायद ये पता हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वैसे तो टैक्सेबल है, पर साल का 1,00,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड एग्जम्प्ट है अंडर द सेक्शन 1038। तो अंडर दिस सेक्शन 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड साल का 1,00,000 रुपए एग्जम्प्ट है। आप कहीं ना कहीं उसे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड साल का 1,00,000 रुपए एग्जम्प्ट है। 1,00,000 से ज्यादा जो है वो पोर्शन टैक्सेबल है, 1,00,000 रुपए साल का एग्जम्प्ट होता है। दैट इज अनदर स्मॉल पॉइंट विच इज देयर वन शुड रिमेंबर। तो मान लो क्वेश्चन में आ गया कि 3,50,000 का लॉन्ग टर्म एसटीटी पेड है, तो हम क्या करेंगे, 1,00,000 को एग्जम्प्ट कर देंगे और बचे हुए पोर्शन को टैक्सेबल कर देंगे। तो ये याद रखना है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, अभी देखो जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज का रेट कितना होता है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 15% होता है, 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 25% होता है, और 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 37% होता है सरचार्ज। पर अगर ये टोटल इनकम इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड के रिस्पेक्ट में आपको ये 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज उस केस में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 15% पे। मान लो मेरे को 2.5 करोड़ रुपए का नॉर्मल इनकम हुई और 30,00,000 रुपए की लॉन्ग टर्म एसटीटी पेड की इनकम हुई, तो इस 2.5 करोड़ पे जो टैक्स बनेगा उसमें तो सरचार्ज वही लगेगा, 25% लग जाएगा। और जो ये 30,00,000 की इनकम पे जो टैक्स बनेगा, ठीक है, उसके ऊपर सरचार्ज का रेट लिया जाएगा 15%। तो अगर 15% होगा ना, इट विल बी 15। तो उनका सिंपली ये कहना है कि अगर 2 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तो उसमें सरचार्ज का रेट वैसे तो चला जाता है 25% और 37% पर, बट इफ इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, तो सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। दैट इज अनदर थिंग। अब अपन आते हैं प्रायोरिटी 2 पर। प्रायोरिटी 2 में कुछ अलग अलग केसेस दिए गए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है इंश्योरेंस क्लेम का, सेक्शन 45(1A। सेक्शन 45(1A इंश्योरेंस क्लेम,
अब देखिए ये सारे केसेस स्पेशल केसेस हैं, इनकी फिलॉसफी ये है कि कैपिटल गेन नॉर्मल कोर्स में शायद नहीं निकल पा रहा था, तो लॉ मेकर्स ने एक डीमिंग प्रोविजन दे दिया कि ये डीमिंग प्रोविजन के हिसाब से कैपिटल गेन निकाला जाएगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज सेक्शंस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज इट आउट ओनली फॉर यू। तो अभी इसके अंतर्गत दिया है 45(1)(a) के अंतर्गत कि अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम अराइज होता है, इफ द कैपिटल असेट इज destroyed or damaged, if there is a damage or destruction to any capital asset because of flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake or any other convulsion of nature, or because of riots or civil disturbance or accidental fire of or explosion or action by an enemy or action taken in combating any enemy, to agar inme se kisi karan se capital asset destroy hota hai तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो। अब कैपिटल गेन टैक्स किस साल लगेगा, जिस साल असेट डिस्ट्रॉय हुआ या जिस साल क्लेम मिला। तो उनका कहना है कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, जिस साल इंश्योरेंस क्लेम मिला उस साल हमें कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, मॉनेटरी अमाउंट मिला, तो इंश्योरेंस क्लेम टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीट। और अगर हमको इंश्योरेंस कंपनी से कोई असेट मिल जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें टैक्सेबल होगा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, जो असेट रिसीव, जो भी असेट मिला उसकी मार्केट वैल्यू विल बी द सेल कंसिडरेशन। सिंपल है, अभी इनकम काइंड में होती है तो क्या होता है, अगर इनकम काइंड में होती है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड इज द इनकम, तो वही उनने कहा है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, दैट इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। उनका यह कहना है कि अगर आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो ऐसी परिस्थिति में इट इज अ ट्रांसफर। सेक्शन 247 में लिखा हुआ ट्रांसफर इंक्लूड्स इंटर एलिया, इट ऑल्सो कवर्स कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल असेट को आज मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, आज ट्रांसफर हो गया, पर मुझे टैक्स कब लगेगा, इन द ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड। अब मेरा सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, मैंने कैपिटल असेट को जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया पैसा कमाया नहीं, मेरा सेल कंसिडरेशन रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और मेरा होल्डिंग पीरियड उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। टेक्निकली कैपिटल असेट को जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे देयर विल बी टू इनकम, एक होगा कैपिटल गेन, जिस दिन मैंने कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, सुनना मेरी बात, जिस दिन मैंने कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, पर वो कैपिटल गेन अभी टैक्सेबल नहीं होगा, वो कैपिटल गेन मुझे तब टैक्सेबल होगा जब मैंने उस स्टॉक इन ट्रेड को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर किया, तो मेरा कैपिटल गेन टैक्स डेफर हो जाएगा। आज मैंने कन्वर्ट किया, आज मुझे कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, अल्टीमेटली कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा जब मैं स्टॉक इन ट्रेड को सेल करूंगा, और जब स्टॉक इन ट्रेड को सेल करूंगा तब मुझे बिजनेस इनकम भी होगी, तो इनफैक्ट मुझे कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड पर कन्वर्ट करने में दो इनकम होगी, कैपिटल असेट टू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन पे कैपिटल गेन लगेगा। इनकम कैसे निकलेगी, फेयर कैपिटल गेन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और बिजनेस इनकम के लिए हम P&L बना लेंगे, तो जो उस दिन की मार्केट वैल्यू है उसको बिजनेस हेड के लिए कॉस्ट ले लेंगे, और फिर सेल कंसिडरेशन बिजनेस इनकम में जितना भी होगा वो ले लेंगे। अभी अपन ने कहा कि कैपिटल असेट को अगर हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो दो चीजें होगी, है ना, पहले कैपिटल गेन आएगा फिर बिजनेस इनकम आएगा, और ये दोनों टैक्सेबल होगा जिस दिन हमने स्टॉक इन ट्रेड बेचा। अब इसका उल्टा प्रपोजिशन बिजनेस हेड में दिया है कि अगर हम स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हैं उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्होंने यह कहा है कि जब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं सो देयर विल बी एट फर्स्ट बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम कैसे होगी, उनका कहना है इसको डीम्ड बिजनेस इनकम मान लेंगे, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो बिजनेस हेड में प्रोविजन दे दिया इट विल बी डीम्ड बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम निकालने के लिए सेल कंसिडरेशन ले लेंगे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। एंड मजे की बात यह है कि उसको डेफर भी नहीं किया, वो आज की आज ही टैक्सेबल हो जाएगी,
जब स्टॉक इन ट्रेड का कैपिटल असेट में कन्वर्जन हुआ उसी की उसी दिन यह बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में वो असेट खरीदा था, और फिर कैपिटल गेन आएगा। बाद में कभी ना कभी इस कैपिटल असेट को बेचोगे, तो जब इस कैपिटल असेट को बेचोगे तब कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। अल्टीमेटली दो पार्ट्स में टैक्स यहां भी लगेगा, पर यहां पर जो टैक्स लगेगा वो एक्चुअली दो पार्ट्स में लगेगा। जब कन्वर्जन हुआ तब एक टैक्स उसी दिन लग जाएगा, और बाद में जब उस कैपिटल असेट को बेचोगे वो टैक्स बाद में लग जाएगा। तो ये कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल असेट प्रोविजन दिया हुआ है। कन्वर्जन के समय बिजनेस इनकम हाथों हाथ आ जाएगी, और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर पर कैपिटल गेन जो है वो जब होगा तब आ जाएगा। अब अगला प्रोविजन आता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर हम कोई इंडिविजुअल पार्टनर फॉर्म में कैपिटल असेट इंट्रोड्यूस करता है, इंडिविजुअल मतलब कोई भी पार्टनर जब फॉर्म में कैपिटल असेट इंट्रोड्यूस करता है, तो पार्टनर को कैपिटल गेन लगने के लिए सेल कंसिडरेशन शैल बी द वैल्यू एट विच द असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। और फिर 45(4) आता है, वो उसका उल्टा प्रपोजिशन है कि फॉर्म के डिसॉल्यूशन और अदरवाइज अगर फर्म कोई असेट पार्टनर को देती है तो ऐसी परिस्थिति में फर्म के लिए उसका सेल कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन फर्म ने यह असेट पार्टनर को दिया, दैट विल बी द सेल कंसिडरेशन फॉर द फर्म, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। अगली चीज आती है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी असेट। तो कंपल्सरी एक्विजिशन का जो लॉ है वो बेसिकली ये है कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड is exempt under the right to fair compensation, transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act. Golden rule to ye hai ki compulsory acquisition of the land is exempt under the right to fair compensation act. Uske alawa urban agricultural land ka compulsory acquisition bhi exempt hai section 1037 mein, wo to alag se income tax act mein diya hai. Ab unka ye kehna hai ki इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट, वैसे तो वो एग्जम्प्ट है, पर मान लो अगर वो एग्जम्प्ट ना हो तो लॉ क्या लगेगा वो आपको बता रहा हूं। बड़ा रेयरली ये काम आएगा रियल लाइफ में, और एग्जाम में भी शायद ये ना पूछा जाए, क्योंकि आज का आंसर तो शायद यही होगा कि इट इज एग्जम्प्ट अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, बट स्टिल से अगर वो एग्जम्प्ट नहीं हो तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। तो कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में हमें टैक्स उस साल लगेगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द फर्स्ट कंपनसेशन इज रिसीव्ड। जब हमें कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में पहली इंस्टॉलमेंट मिली, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली, उस साल ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। एक्विजिशन के ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। होल्डिंग पीरियड चालू होगा जब से असेट का एक्विजिशन हुआ था, खत्म होगा ऑन द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी, पूरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। सेल कंसिडरेशन कितना लिया जाएगा, पूरा लिया जाएगा। और फिर आता है मान लो बाद में जाके एनहांस्ड कंपनसेशन मिल जाता है, अगर हमें एनहांस्ड कंपनसेशन मिल जाता है तो एनहांस्ड कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। पर यहां पर एक कैच ये है कि मान लो एनहांस्ड कंपनसेशन हमको मिला एक इंटरिम ऑर्डर में और बाद में जाके वो ऑर्डर फाइनलाइज हुआ, तो वो किस साल टैक्सेबल होगा, जब इंटरिम ऑर्डर में वो मिला या फाइनली जब वो ऑर्डर पास हुआ। तो उनका कहना है कि अगर एनहांस कंपनसेशन हमको रिसीव हुआ है अंडर एन इंटरिम ऑर्डर तो उसे हम टैक्स करेंगे इन द ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। तो ये भी एक छोटी सी चीज यहां पर दी गई है। तो जनरली एनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, हाउएवर अगर वो इंटरिम ऑर्डर के अंतर्गत मिला है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। फिर ये उन्होंने आगे कहा है कि एनहांस कंपनसेशन के केस में जो ओरिजिनल कंपनसेशन था वैसे ही एनहांस कंपनसेशन रहेगा, अगर ओरिजिनल लॉन्ग टर्म था तो एनहांस भी लॉन्ग टर्म रहेगा। एनहांस कंपनसेशन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल एंड एंटायर एनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल। ये सब बातें तो तब आएगी देखो जब कंपल्सरी एक्विजिशन एग्जम्प्ट नहीं है। रियल लाइफ में तो अपन कह सकते हैं कि कंपल्सरी एक्विजिशन एग्जम्प्ट हो जाता है तो ये सारी कहानी ज्यादा काम नहीं आती है। उसके बाद अगली चीज आती है सेक्शन 56 रेड विथ सेक्शन 145A।
तो सेक्शन 56 रेड विद सेक्शन 145 ए ये कहता है कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस. इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस. इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस. उसको कमाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50%. तो वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, उसको कमाने के लिए अलग से खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा 50% ऑफ सच इनकम, और अलग से कोई और खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो दैट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन. अब अगली चीज आती है सेक्शन 45(5) है. सेक्शन 45(5) है, ये कहता है कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का टैक्सेशन कैसे होगा. मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास जमीन है, उसने अपनी जमीन बिल्डर को दे दी और बिल्डर से कह दिया कि भाई तुम उसके ऊपर मकान बना दो, जो भी मकान बनेगा, जो भी कॉलोनी बनेगी उसको हम शेयर कर लेंगे. इसको कई लोग रेशो डील भी कहते हैं और कई लोग इसको जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं. तो इसमें अभी जो अपने कोर्स में है, जो अपने को पढ़ना है, वो है टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओनर. मैंने अपनी जमीन बिल्डर को 2017 में दी, बदले में बिल्डर ने मेरे को वहां पर कुछ मकान बना के दे दिए. उसने 100 मकान बनाए पर उसमें से 50 मकान मेरे को दे दिए. ठीक है, तो लैंड ओनर ने जमीन दी, बिल्डर ने 100 मकान बनाए, 100 मकान जो बनाए थे उसमें से 50 मकान बिल्डर ने लैंड ओनर को दे दिए. अब ऐसी परिस्थिति में व्हाट विल हैपन इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनर. ठीक है, 2017 में मैंने लैंड दिया, हो सकता है 2021 में उसने मकान बना के मुझे दिए, तो लैंड ओनर को किस साल टैक्स लगेगा, 17 में या 21 में. तो उसका लॉ यह कहता है कि इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेंड. मैंने आज लैंड बिल्डर को 2017 में दिया तो 2017 में ये टैक्सेबल नहीं है. बिल्डर ने जब इस पे मकान बना लिए और मुझे वो दे दिए, उस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला होगा, बिल्डर का काम कंप्लीट हो गया होगा, उस साल ये टैक्सेबल है. इन द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेंड. फिर दूसरी चीज आती है, व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन. तो सेल कंसिडरेशन क्या, मैंने तो लैंड दिया बदले में मकान मिल गए, तो सेल कंसिडरेशन क्या, तो उनका जो मकान मिले उसकी स्टैंप वैल्यू, उसकी गाइडलाइन वैल्यू किस दिन की, ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 की, प्लस अगर मेरे को कोई कंपनसेशन कैश में भी मिला है तो वो भी. तो बिल्डर से मेरे को जो पैसा मिला प्लस जो मकान मिले, दोनों को ऐड कर लो, वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. और यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आगे मेरी कॉस्ट हो जाएगी. जो मेरे को मकान मिले वो सेल कंसिडरेशन, उस पर मैं टैक्स दे चुका हूं, तो यही मकान अब मेरी कॉस्ट हो जाएगी, मार्केट वैल्यू. तो अब जब मैं इस असेट को बेचूंगा तो सब्सिक्वेंटली मेरी कॉस्ट उसी दिन की गाइडलाइन वैल्यू रहेगी. और ये एक छोटा सा प्रोविजन और दिया हुआ है, देखो 45(5) कब लगेगा, ये प्रोविजन कब लगेगा, जब हमने लैंड ओनर ने बिल्डर को ये प्रोविजन, ये असेट दिया था अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. तो अगर ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ये स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं लगेगा. ठीक है, जहां पर असेसी ने अपना जमीन ही ट्रांसफर कर दी बिल्डर को डे वन पे, मतलब ये नहीं किया कि भाई डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, जब मकान मिलेंगे उसको आधा आधा शेयर करेंगे, 60-40 में शेयर करेंगे, ऐसा नहीं किया हमने, तो जमीन ही डे वन पे बिल्डर को दे दी, तो फिर उसी दिन कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा. तो ये भी उन्होंने दिया है. अगला सेक्शन आता है सेक्शन 50. एज पर सेक्शन 50, अगर डिप्रिशिएबल असेट जो कि ब्लॉक ऑफ असेट्स में फॉल होते हैं उनको बेचते हैं तो कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होगा या लॉस हमेशा शॉर्ट टर्म होगा. बिजनेस हेड में काफी लेंथ पे इसको पढ़ा जाता है. फिर अगर हम बात कर रहे हैं SLM मेथड की, पावर जनरेशन बिजनेस में यू फॉलो SLM मेथड, तो उसके इसमें सेक्शन 50A है. एज पर द सेक्शन 50A इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ SLM मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन द कैपिटल गेन में भी शॉर्ट टर्म, इट में भी लॉन्ग टर्म. वहां भी 50A में आपको याद हो, कभी आप बिजनेस हेड में अपन पढ़ेंगे ही वैसे, तो वहां पे क्या होता है कि अगर लॉस होता है तो उसको टर्मिनल डिडक्शन कहते हैं, प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट तक का इनकम को बैलेंसिंग चार्ज कहते हैं, उसके ऊपर की इनकम को अलग से टैक्स किया जाता है. तो सेक्शन 50, सेक्शन 50A जो वहां पर दिए गए हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है. अब उसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 50B. सेक्शन 50B डील करता है विद अ ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज स्लंप सेल. अभी स्लम सेल क्या होता है,
स्लम सेल बेसिकली होता है व्हेन एन अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न. हमारे पास एक अंडरटेकिंग है, दैट अंडरटेकिंग इटसेल्फ इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न एंड द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड फॉर अ लम सम कंसिडरेशन. मेरे पास मान लो तीन यूनिट्स हैं, तीन डिविजन हैं, स्टील डिविजन, फार्मा डिविजन, सॉफ्टवेयर डिविजन. तो मैंने सॉफ्टवेयर डिविजन ट्रांसफर कर दिया. I have transferred one division, one undertaking itself. ये undertaking के सारे assets, सारे liabilities मैंने transfer कर दिए for a lump sum consideration. तो इसको basically मैंने एक unity किसी और को बेच दी, उसके सारे assets and liabilities. ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो slump sale कहलाता है. slump sale में मुझे capital gain लगेगा. कैपिटल गेन लगने के लिए अभी देखो उसमें बहुत सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे, तो हर असेट पे अलग अलग कैपिटल गेन निकालेंगे क्या, जो कि संभव नहीं है. तो उन्होंने ये लिखा लॉ में कि इन द केस ऑफ स्लम सेल हम हर असेट पर अलग अलग कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे. हम क्या करेंगे, पूरी अंडरटेकिंग को ही एक कैपिटल असेट मान लेंगे, और अगर होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा है तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म रहेगा, अगर होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा नहीं है तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म रहेगा. तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया 36 महीने. हर असेट को अलग नहीं मानेंगे, अंडरटेकिंग इटसेल्फ को एक असेट मानेंगे. कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो टैक्स रेट 20% रहेगा. You can invest under 54 to 54F, जहां भी कर सकते हो. मेनली शायद आप ज्यादा कर नहीं पाओ 54EC वगैरह के बॉन्ड वॉन्ड खरीद पाओ कुछ, उसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता होगा तो मिल जाएगा. सॉरी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी, स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है. ठीक है, दैट इज देयर. और अगर 36 महीने से कम होल्डिंग पीरियड है तो शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म में तो जो होता है वो होगा. फिर सेल कंसिडरेशन तो एक्चुअल कंसिडरेशन, जितने में अंडरटेकिंग ट्रांसफर की. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग. सो व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट शैल बी द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग. और वो नेट वर्थ कैसे निकलेगी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग लेस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग. असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो उस अंडरटेकिंग के सारे असेट्स हम ले लेंगे, वो असेट्स डेप्रिशिएबल हो, नॉन डेप्रिशिएबल हो, स्टॉक इन ट्रेड हो, कैश इन हैंड हो, सबका टोटल मार लेंगे, माइनस सारी लाइबिलिटीज उस अंडरटेकिंग की ले लेंगे. अब असेट्स की वैल्यू क्या लेंगे, तो अगर वो डेप्रिशिएबल है तो उसकी वैल्यू रहेगी WDV एज पर इनकम टैक्स. नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स है तो उसकी वैल्यू रहेगी बुक वैल्यू. रीवैल्यूएशन वगैरह को हम सब अभी कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब रीवैल्यूएशन किया है तो उसका फायदा नहीं मिलेगा हमको, रीवैल्यूएशन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का फायदा नहीं ले पाएंगे. तो डेप्रिशिएबल है तो WDV ले लो, नॉन डेप्रिशिएबल है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ले लो, और अगर 35AD वाला असेट है तो उसकी कॉस्ट ले लो निल. तो ये दिया हुआ है. उसके बाद यह कहा गया है कि भाई रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना है, मतलब उसका फायदा नहीं लेना है. डेप्रिशिएबल असेट में WDV काय की लेंगे, इनकम टैक्स की लेंगे, बुक्स की नहीं लेंगे. टोटल असेट्स में सारे असेट आ जाएंगे, इवन स्टॉक इन ट्रेड वगैरह भी आ जाएंगे. और अभी उनका यह कहना है कि भाई ये जो नेटवर्थ का कैलकुलेशन है ये CA से आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा. सो दैट इज अनदर स्मॉल थिंग विच इज गिवन अप हियर. इसके साथ अपना प्रायोरिटी 2 हो जाता है. अब प्रायोरिटी 3 बचता है, इसको अपन कल कर लेंगे. तो कल अपन अगले लेक्चर में प्रायोरिटी 3 ऑफ दिस कैपिटल गेन कर लेंगे, प्लस उसके अलावा एक दो छोटे चैप्टर हम पहले कर लेंगे, देन वी विल मूव टू बिजनेस हेड. दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग दी रिवीजन. सो थैंक यू वेरी मच. राइट नाउ आई एम क्लोजिंग विथ इट. थैंक यू वेरी मच. आई अगेन रिपीट कि आप ये जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, याद रखना कि एक बार नहीं देखना है, बार बार इन लेक्चर को देखो और कोशिश करो कि खुद अपने आप से प्रोविजन बोल पाओ, तभी आपको वो चीज रिटेन हो पाएगी. होता ही है कि एग्जाम में वो बात याद नहीं रहती है, तो याद रखने के लिए तो खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो चीज याद रहेगी. थैंक यू वेरी मच.